एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं प्रज्ञा आप सभी का वार्म वेलकम करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल प्रज्ञा त्रिपाठी पांडे में। आज का ब्लॉग बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है बिकॉज मैंने ये चीज रिवील की थी आप लोगों कम्युनिटी में कि मुझे इनवाइट किया गया है एज अ जूरी जज इन अ एशिया मेकअप कॉम्पिटिशन जो कि शो होने वाला है कानपुर में। राइट नाउ हम बस कानपुर से आधे घंटे की दूरी पे हैं एंड अभी हम लोग रुके हुए हैं, ये एक रेस्टोरेंट है ब्रेकफास्ट करने के लिए। सो पहुंचने वाले हैं आगे, ये ब्लॉग पूरा डे तक कंटिन्यू रखूंगी मैं एंड थैंक यू सो मच मुझे इतना सारा प्यार देने के लिए बिकॉज आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के बिना ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं था कि अभी मेरे सैलून को एक साल भी नहीं हुआ है एंड मुझे इतने बड़े इवेंट में इन्वाइट किया गया है। सो थैंक यू सो मच गाइज इतना ज्यादा प्यार देने के लिए। इससे पहले भी मैं इस कॉम्पिटिशन में आ चुकी हूँ। सो अभी बस ये वाला आउटफिट पहना हुआ है। मैं अकेली नहीं हूँ इसमें, अभी साथ में मेरे साथ सचिन है और वहां पर मैं तो हूँ ही और एज अ कंटेस्टेंट मेरे कुछ बहुत स्टूडेंट्स हैं, मेरा स्टाफ है। सो आई एम रियली रियली हैप्पी एंड एक्साइटेड। सो चलिए ब्लॉग स्टार्ट करते हैं, आई होप आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आए देन प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो चलिए चलते हैं, बढ़ते हैं आगे। पहुंच चुके हैं रूम पे। एंड शो वहां पर स्टार्ट हो चुका है, आई मीन मेकअप आर्टिस्ट के लिए, हमारे लिए नहीं। तो अब हम जा रहे हैं रेडी होने के लिए। मैं आज बहुत सुंदर से एक ड्रेस पहनने वाली हूँ, सो फुल लुक मैं अभी आपको दिखाऊंगी। पहले थोड़ा सा हम रेस्ट करेंगे और इसके बाद हम जाएंगे रेडी होने के बाद जाएंगे अगेन हमारे शो पे। मैं अभी ऑलरेडी लॉन हो करके आई हूँ बट मैंने वहां का व्लॉग नहीं शूट किया क्योंकि वो मैं आपको इवनिंग में दिखाऊंगी। अभी वहां पे प्रिपरेशन वगैरह चल रही थी, बच्चों की सारी अरेंजमेंट हम कर चुके हैं एंड आप बस थोड़ा सा रेस्ट करते हैं। अभी मैं आपको एक क्विक रूम टूर दे देती हूँ। यहाँ से एंट्री होती है हमारे रूम की, यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर सी एक बालकनी दी हुई है। फिर ये रहा हमारे पतिदेव, यहाँ पे वॉशरूम में क्या कर रहे हैं, चलो हटो इधर से जब पता था मैं व्लॉग कर रही हूँ तो फिर क्यों, लाइट ऑन कर दो पहले। लाइट कहाँ से ऑन होगा, उसमें लाइटें नहीं है, बहुत डिम लाइट है, आपको इतनी लाइट से ही काम चलाना होगा। और ये रहा हमारा वॉशरूम, ये है वॉश बेसिन, वॉर्मिंग एरिया, शावर एंड ऑल। उसके बाद में चलते हैं अंदर की तरफ। तो ये पूरा एरिया है रूम का जहां पर हमें एक अलमीरा दी हुई है सामान वगैरह रखने के लिए और एसी लगा हुआ है। यहाँ पे एक चेयर दी हुई है, स्टूल है, ये रहा हमारा ब्यूटीफुल सा बेड और ये रही हमारे टाइम पास करने की चीज यानी कि हमारी टीवी। यहाँ पे एक विंडो दी हुई है जिसका कोई काम मुझे लगता है नहीं वैसे। और ये पता नहीं क्या है, आई थिंक यहाँ पहले मिरर लगा होगा, पता नहीं ये क्या एरिया है। और ये सचिन यहाँ पे चिल कर रहे हैं और मैं भी चिल कर रही हूँ। और आप क्या करेंगे अभी, कुछ बता सकते हैं क्या? ये आई थिंक ये स्टडी के लिए है या काम करने के लिए। ऑलराइट गाइज, सो अभी टाइम हो गया है अब रेडी होने का एंड मैंने अपना ड्रेस वेयर कर लिया है। अभी इसके ऊपर मेरा ब्लेजर जाएगा। अब मैं जा रही हूँ मेकअप करने के लिए। सो अभी आप देखो मेरी स्किन एकदम बेयर है, कुछ भी नहीं है फेस पे। सो यहाँ पे थोड़ा सा ना मिरर का इशू है, मिरर यहाँ रूम में नहीं है तो इसलिए लाइटिंग का भी थोड़ा इशू, इसलिए मैं आपको मेकअप तो नहीं दिखा पाऊंगी लेकिन मैं रेडी होकर के आती हूँ, उसके बाद फिर आपको एक बार ओवरऑल लुक दिखा दूंगी मैं गाइज। तो अभी मैं जा रही हूँ अपना मेकअप करने के लिए। लाइटिंग का इशू है, सेटअप नहीं बन पा रहा है तो मैं थोड़ा सा आपको दिखा देती हूँ। सो बहुत ही मिनिमल मेकअप करने वाली। अभी मैंने फेस वॉश किया है, ये TAC का मैंने यूज किया है 7% कुमकुमादी फेस वॉश विद सैफरन एंड 24K गोल्ड। इसका फुल डेप्थ रिव्यू मैंने आपको दिया हुआ था लास्ट वीडियो में, लास्ट जो मैंने ब्लॉग शेयर किया था इंदौर का, उसमें मैंने इसका फुल डिटेल वीडियो शेयर किया हुआ था एंड बहुत ज्यादा पसंद आया। आप इसको डेफिनेटली परचेज कर सकते हैं, अमेजोन, मिंत्रा और फ्लिपकार्ट पे ये अवेलेबल है। नेक्स्ट मैं यूज करूंगी, अभी टोनर यूज करूंगी मैं। सो मैं यूज कर रही हूँ रोज वाटर।
ऑल राइट गाइज, तो अभी मैं रेडी होकर के निकल चुकी हूँ अपने लॉन के लिए, एंड मैं कैसी लग रही हूँ प्लीज़ मुझे कमेंट डाउन ज़रूर कीजिएगा। इसका मैंने विनी व्लॉग भी शेयर किया था अपने शॉर्ट्स में, सो आई होप आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। लॉन पहुँचने के बाद हमने जजमेंट शुरू कर दिया था, क्योंकि सारे मेकअप आर्टिस्ट अपने अपने मेकअप कर चुके थे, एंड किसी ने क्रिश्चियन ब्राइडल किया था, किसी ने मुस्लिम ब्राइडल किया था, किसी ने हिंदू, महाराष्ट्रियन, साउथ इंडियन, एवरीबडी इज़ डूइंग देयर गुड। सभी ने बहुत अच्छा काम किया था, एंड यहाँ पर अभी मैं जिसको जज कर रही हूँ शी इज़ माई स्टूडेंट, एंड मैं और मेरे साथ में एक और मैम थे, हम दो लोगों को एज अ जज इनवाइट किया गया था, तो वहां हम यही जज कर रहे हैं, जो कुछ कमियां हैं वो बता रहे हैं। फॉल आउट हुआ है तो जब भी ग्लिटर अप्लाई किया जाता है नीचे हमेशा ही लूज पाउडर लगाया जाता है, ताकि अगर फॉल आउट हुआ तो उसको आप डस्ट ऑफ कर सकें, वो ही एक रीजन है। और मेरी तरफ देखो बेटा, थ्रेडिंग आपने बहुत ही ज्यादा मोटी की हुई है, बहुत ओवर ड्रामेटिक लग रही है, नेचुरल नहीं लग रहा है, अरे इसको आप लूज पाउडर से और लॉक कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोग मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हो तो यू नो दैट आई एम अ प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट, मेरा सैलून भी है, तो मैंने इसी सीजन में, लास्ट सीजन में पार्टिसिपेट किया था जिसमें मैं विनर बनी थी, मैंने वो ब्लॉग भी आप लोगों के साथ में शेयर किया था, उस सीज़न की मैं विनर थी, एंड इस सीज़न में मुझे उन्होंने एज अ जूरी जज इन्वाइट किया था। सो ये मेरे लिए बहुत ही बड़ा एक इवेंट, बहुत बड़ा एक शो था, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं किसी इतने अच्छे शो को जज करने वाली थी, एंड आप देख सकते हो कि उस स्टूडेंट्स ने कितना अच्छा काम किया है, एंड उसके अकॉर्डिंगली ही हमने फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड बच्चों को पोजीशन दिया था उनके काम के अकॉर्डिंग। पहले हमारा जजमेंट हुआ था, उसके बाद में फिर पूरी की नाइट में रैंप वॉक हुआ था, बहुत ज़्यादा मज़ा आया था, और ये सब आपके प्यार और साथ के बिना नहीं हो सकता। अगर आप मेरे काम से अपडेटेड रहना चाहते हो तो मुझे इंस्टा पे ज़रूर फॉलो कीजिएगा, जो कि है सचिप्रा ब्राइडल मेकओवर्स के नाम से, वहाँ पर मैं अपना काम अपडेट करती रहती हूँ। एंड यहाँ पर रैंप वॉक शुरू हो चुका है स्टूडेंट्स का, यू कैन सी कि यहाँ पर पीछे लेन में सारे ही स्टूडेंट्स या सारे ही जितने मेकअप आर्टिस्ट जिन्होंने एज अ कंटेस्टेंट पार्टिसिपेट किया था अपने अपनी मॉडल्स के साथ में रैंप वॉक कर रहे हैं, और ये पूरा का पूरा व्लॉग जो है ना वो सचिन ने शूट किया है, तो उनको भी बहुत बड़ा एक हैट्स ऑफ, बिकॉज उनको शूटिंग नहीं आती है, बट उन्होंने पूरा का पूरा व्लॉग शूट किया। और अब यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है डांडिया नाइट, हम बच्चों को अवार्ड दे चुके थे जो भी फर्स्ट सेकेंड थर्ड आए थे, एंड लास्ट टाइम हुआ था मुझे ऑनर करने का, तो यहाँ पर मुझे भी सम्मान मिल रहा है, एंड आई एम सुपर डुपर हैप्पी दैट डे, बिकॉज दैट वुड बी माई बिगेस्ट डे इन माई लाइफ। सो ऐसा ही प्यार अपना मोहब्बत बनाए रखिएगा, ताकि मैं इसी तरह आगे बढ़ती रहूं। तो अभी डांडिया नाइट स्टार्ट हो चुकी है, एंड सभी लोगों ने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया था, हम लोगों ने रात को 12-1 बजे तक आराम से खूब नाचे कूदे थे। सो आप देख सकते हो कि मैं और सचिन एकदम खो गए हैं सब। ऑल राइट गाइज, गुड मॉर्निंग। कल रात में आने से वहाँ पे बहुत लेट हो गया था, और बहुत ज़्यादा हम लोग टायर्ड हो गए थे, इस वजह से मैं ब्लॉग नहीं कर पाई। सो अभी मॉर्निंग हो चुकी है, हम रेडी हो चुके हैं, निकल रहे हैं बांदा के लिए, चेकआउट करने का टाइम हो गया है, एंड देयर ही इज। हाय सचिन, गुड मॉर्निंग। कल की नाइट कैसी रही? अच्छी थी, एंड वो मेरी वहाँ पे ट्रॉफी भी रखी हुई है, वो रखी हुई है, पैकिंग वगैरह हो गई है, अब हम निकल रहे हैं स्टेशन के लिए, सीधे अब निकलेंगे बांदा। और तुम्हारा एक तो ये खटखटाता बहुत है, ठाकुर के जूते हैं। ब्लॉग का मैं यहीं पे एंड करती हूँ, आई होप आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, और आप लोगों को वीडियो की क्वालिटी कैसी लग रही है, पहले के ब्लॉग में और अब के ब्लॉग में कुछ डिफरेंस समझ में आ रहा है क्या, क्या डिफरेंस है कमेंट डाउन करो, फिर रिवील मैं नेक्स्ट ब्लॉग में करूंगी, है ना सचिन? बिल्कुल, काफी बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है, इतनी सी हिंट दे सकती हूँ आपको, अब आप लोग समझ गए होंगे। सो अब हम निकल रहे हैं, ब्लॉग का एंड करते हैं, आई होप आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर पसंद आया देन प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड जो कुछ भी हुआ है आपकी वजह से ही हुआ है गाइस, थैंक यू सो मच इतना ज्यादा प्यार मोहब्बत देने के लिए। सो बाय एंड टेक केयर ऑल्सो, बाय गाइस।